तो आ गए भैया आपके एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग व्हाट्सएप पर किसी को भी आप ऐप कैसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप है जिसे आप लोग किसी फ्रेंड रिश्तेदार या दोस्त को भेजना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दो तरीका बताऊंगा, एक ऐसा तरीका है जो कि सभी मोबाइल में काम करता है और एक ऐसा तरीका है जो कि इक्का दुक्का मोबाइल फोन में काम करता है। तो कैसे आप लोग को किसी को भी व्हाट्सएप पर ऐप सेंड करना है आपको पूरा वीडियो देखना है, समझ में आ जाएगा। पहला तरीका तो दोस्तों ये है, आपको जो भी ऐप भेजना है आपको उस ऐप पर प्रेस करके रखना है, जैसे इस पर दाब के रखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको शेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन है, जैसे नए मोबाइल फ़ोन बहुत सारे ऐसे कंपनी का मोबाइल फ़ोन है जहां पर आप लोग जैसे प्रेस कीजिएगा तो यहां पर आपको शेयर करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका बता देता हूं जो कि सबसे आसान है, किसी को भी आपको ऐप शेयर करना है इसे प्रेस करना है एंड यहां पर आपको ऑप्शन आता है शेयर का, शेयर पर क्लिक कीजिए और आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखता है, व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिए और आप जिसे भी भेजना चाहते हैं उसे आप लोग भेज सकते हैं। जैसे मैं इसे भेजना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड आप लोग को शेयर पर क्लिक करना है और ये देख सकते ऐप आ जाएगा, आपको शेयर पे क्लिक करना है और ये देख सकते हैं ऐप ये जा रहा है, कुछ ही देरों के बाद ये ऐप चला जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हो मैं दूसरा मोबाइल फ़ोन ले चुका हूँ, ये मेरा नया वाला मोबाइल फ़ोन है और ये मोटरोला का है। तो अब देखिए मुझे, मेरे पास ये जियो टीवी ऐप है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको शेयर करने का ऑप्शन आएगा ही नहीं, कहीं पर क्लिक कर दीजिए आपको शेयर करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर प्रेस करके रखने पर शेयर करने का ऑप्शन नहीं आता है, तब आपको कैसे किसी को व्हाट्सएप पर ऐप भेजना है? तो इसके लिए आप लोग को गूगल फाइल खोलना है। देख सकते ये वाला आपको ऐप दिखाएगा, गूगल फाइल आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, यहाँ पर आप कहीं पर भी खोज लीजिएगा, आपके मोबाइल फ़ोन में निश्चित रूप से गूगल फाइल होगा। नहीं है तो बड़ी आसानी से आप लोग ऐप यहाँ पर प्ले स्टोर में आकर गूगल आप लोग लिखिएगा, एक सेकेंड, गूगल फाइल लिखिएगा तो इस तरीके से आपके सामने ये जो है गूगल फाइल आ जाएगा। ऐसे सभी मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड रहता है तो आपको गूगल फाइल खोल लेना है। इस तरीके से गूगल फाइल खुल जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाएगा एक ऑप्शन ऐप का, देख सकते हैं ऐप का ऑप्शन दिखाएगा, नहीं दिखाता नीचे देख लीजिएगा, आपको ऐप का ऑप्शन दिखाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी ऐप डाउनलोड होगा वो यहाँ पर आपको ऐप दिखा दिया जाएगा। तो आप जिसे भी सेंड करना चाहते हैं यहाँ से आपको वो खोज लें, जो भी ऐप सेंड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं जियो टीवी भेज रहा था तो इसके आगे थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए एंड आपको शेयर करने का ऑप्शन दिखाता है, शेयर पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और जिसे आप लोग भेजना चाहते हैं बड़ी आसानी से उसे आप लोग भेज सकते हैं। जैसे मैं एक को भेज के आपको दिखा देता हूँ, तो यार यहाँ पर मैं अपना खोज लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक किया हूँ, अब ये देख सकते हैं शेयर पे क्लिक किया हूँ, अब ये ऐप जो है ये चला गया है, देख सकते हैं ये ऐप जा रहा है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप लोग किसी को भी ऐप भेज सकते हैं, दो तरीका मैं बता दिया हूँ और ये जो तरीका लास्ट में बताया हूँ ये तरीका सभी मोबाइल फ़ोन में वर्क करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।